बिग बॉस 13 में तावीजाज यानी कि पवित्रा और एजाज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। दोनों जब भी एक साथ स्पॉट होते हैं या अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं तो एक बात तो साफ है कि इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री जो है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। दोनों शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, हालांकि उससे पहले एक दूसरे को जानने पहचानने में थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। अब पवित्रा जो है एजाज के फैमिली से मिलने पहुंची हैं, जी हाँ, और इस बात की तस्वीरें जो हैं खुद एजाज ने शेयर की हैं। और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए फैमिली, उन्होंने लिखा है, और उनके नेफ्यू का शायद बर्थडे था और उसी के बर्थडे पर पहुंची थी पवित्रा पूनिया। तो एक बात तो तय है कि अब उनके रिलेशन की वो स्टेज तो आ चुकी है कि दोनों एक दूसरे के परिवार वालों से मिल रहे हैं, और बर्थडे जब मनाया गया तो पवित्रा भी पहुंची। और जिस तरीके की बॉन्डिंग पवित्रा की देखने को मिल रही है, एक बात तो साफ है कि परिवार वाले भी जो है लगता है पवित्रा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फैमिली फंक्शंस हो या कुछ भी हो, अब ये लोग जो है आपस में एक दूसरे के परिवार से मिलने जुलने लगे हैं। इससे पहले भी पवित्रा ने बताया था कि एजाज मेरे भाई से मिल चुका है और बहुत जल्दी वो मेरे मम्मी पापा से भी मिलेगा। वहीं लॉकडाउन चल रहा था, इसकी वजह से एजाज जो है पवित्रा को अपने घर नहीं लेकर गए थे। उनको चिंता थी अपने पिता की, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जो है उम्र दराज है और मैं नहीं चाहता कि बाहर का कोई शख्स जाए और उनसे मिले फिलहाल। लेकिन मुझे लगता है कि अपने बड़े भाई और बाकी परिवार वालों से जो है पवित्रा को मिलाने ले गए हैं। और उन्हीं तस्वीरों को अब जब एजाज ने शेयर किया है तो मनु पंजाबी ने, फैमिली मैन एजाज ने लिखा, थैंक यू। तो लोगों ने जो इस तारीफ की है काफी ज्यादा इन तस्वीरों की, यू आर द विनर ऑफ बिग बॉस, लव फ्रॉम पाकिस्तान। एक ने लिखा, आई एम योर बिग फैन बट रिसेंटली माई डैड बिकेम योर फैन आफ्टर वॉचिंग बिग बॉस। तो इस तरीके से लगातार एक ने लिखा आपका भाई कितना हैंडसम है, एक ने लिखा कि ह्यूज रिस्पेक्ट, आप और पवित्रा बहुत अच्छे लग रहे हो, यस भैया फॉर एस एंड यू एंड पावी भाभी आर द विनर्स ओनली ऑफ बिग बॉस। तो इस तरीके से जैसे ही एजाज ने फैमिली के साथ पवित्रा की तस्वीरों को शेयर किया तो फैंस ने भी जो है जमकर प्यार लुटाया है।